subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. हमारे घर के सामने से फिर बकरियों का रेवड़ गुजर रहा है। कितनी बकरियां हैं? 139। मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आई फरहाना कि तुम इतनी जल्दी इतनी सारी बकरियां गिन कैसे लेती हो? मैं उनके सर थोड़ी गिनती हूँ, बस उनकी टांगे गिन के 4 से डिवाइड कर लेती हूँ। सिंपल। लेकिन वो जो गटेरिया है ना, वो इतना हैंडसम नहीं है। उनके घर के सामने ये लड़का क्यों खड़ा हुआ है? उनको क्यों ड्रिफ्ट कराएगा? सोचने वाली बात है। हाँ। Oh, I almost forgot। पता सोरा आंटी ने मुझे बताया था कि सुंबल आंटी का एक बेटा है जो अमेरिका में रहता है और वो आने वाला है। कहीं वो बेटा तो नहीं? मुझे क्या पता? मैं कोई नजूमी हूँ, मुझे पता होगा कि कहीं वो बेटा तो नहीं। शर्मीन, तुम भी ना हेल्प करो ना मेरी। प्याज काटने के लिए एतबार की नहीं बल्कि छुरी की जरूरत होती है। देख, ओहो फरहाना, तुम दोनों लड़कियों से बड़ी और तेज छुरियां कहाँ हैं? कैसी दिल तोड़ने वाली बातें कर रही हैं आप आंटी। अब तो हमारी प्यारी आंटी हैं, हमारी आंखों का तारा हैं आप। क्या फरहाना, मुझे शक है कि जरूर तुम मुझसे कुछ मांगने आई हो। कुछ नहीं, मैं तो सोच रही थी कि भाई रोजाना आप खाना बनाती हैं और रोजाना हमारे घर लोग आके खाना खा जाते हैं, क्यों ना आज रात का खाना हम किसी और के घर जाके खाएं? किसी और के घर? किसी के घर भी जा सकते हैं, फॉर इंस्टेंस सामने वालों के, सुंबल आंटी के। सुंबल, अरे वो तो इतनी कंजूस है, उसके घर तो कोई आ जाए वो तो पानी का गिलास नहीं पूछती है, और वैसे भी आजकल उसका बेटा आया हुआ है, वो नहीं खाना खिलाएगी। इसलिए तो उनके घर जाना है। क्या मतलब ये कि इसीलिए तो बेटा आया हुआ है अमेरिका से, सुंबल आंटी खुश होंगी और बेटे के लिए खाने का खूब एहतमाम भी होगा। ये हो सकता है, सुंबल अगर इतनी खुश होगी बेटे के आने पर तो शायद वो हमें खाने के लिए पूछ भी ले। हाँ तो और क्या। तो फिर चलो ठीक है, उठाओ ये सब्जी, ये उठाओ इसको रख दो फ्रिज में और तैयार होकर चलते हैं। हाँ चल, अच्छे से कपड़े पहन ले आप। आहिस्ता आहिस्ता पलकों पे वो जा रहा है, आहिस्ता क्या है वो जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता शर्मीन, सारे सिम्टम्स टाइफाइड के हैं या शायद सरसाम की बीमारी के, आई एम नॉट टू श्योर। फरहाना तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो, सारा दिन हॉस्पिटल में मरीज चेक करती हो ना, इससे घर में भी तुम्हें हर बंदा पागल और मरीज ही नजर आता है। तो ये तुम क्या हरकत कर रही हो? ये लाइब्रेरी से मैं आज हिप्नोटिज्म की बुक लाई थी, मैं हिप्नोटिज्म प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा क्यों? इसलिए क्योंकि हिप्नोटिज्म इंसानों के ऊपर करते हैं ना, मैंने किसी के ऊपर करना है इसलिए मैं हिप्नोटिज्म कर रही हूँ। और हाँ,
कौन से ऐसे इंसानों को जानते हैं जिनके ऊपर हम हिप्नोटिज्म प्रैक्टिस कर सकते हैं? देखो ना, मेरे जहन में एक बहुत अच्छा प्लान आया है। वो ये कि मेरा मॉडलिंग का जो शौक है ना, वो हिप्नोटिज्म के जरिए पूरा हो सकता है। लेकिन मॉडलिंग का हिप्नोटिज्म से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। मैं हिप्नोटिज्म के जरिए अपने बॉस जो है ना, उसके जहन में ये बात डाल दूंगी कि वो हर कमर्शियल और हर एड में मुझे ही मॉडल रखे। हाय, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। दैट्स वंडरफुल। प्लीज 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 मुझे भी अमल सिखा दो ना। क्यों, तुमने क्या करना है? वो मैं ये अमल जो है ना, वो मैंने आज शाम को यूज करना है। वो एक्चुअली क्या है, सुंबल आंटी के यहाँ जाना है ना डिनर पे, तो इसलिए। सुंबल आंटी घर में? तुमने किस पर हिप्नोटिज्म करना है? उनके बेटे पर। वही वो जो अमेरिका से आया है, वो एक्चुअली मुझसे 2 साल छोटा है। तो मैं हिप्नोटिज्म के जरिए उसके जहन में ये बात डालना चाहती हूँ कि तुमने अपने इससे कम उम्र की लड़की से शादी नहीं करनी, बल्कि अपने से बड़ी उम्र की लड़की से मोहब्बत करनी है और शादी नहीं करनी है। वेरी गुड। तुम और शुक्रा आंटी वहाँ डिनर पे? वेरी गुड। मैंने भी घर पे ना डिनर पे बुलाया बॉस को ना। मैं मोटू पे अकेले में अमल करूंगी। सिखाना सिखाना प्लीज 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 मुझे बताना कैसे करते हैं। इट्स वेरी इजी। देखो करना ये होगा, उठो ना, उठो। आप जो भी बंदा ना जिसको आपने हिप्नोटाइज करना है, मामूल कहते हैं उसे लेट जाओ। उसको यूं करके आपको लटाना होता है। जब वो लेट जाते हैं तो फिर उसके सामने आपने किताब में सारा लिखा हुआ क्या करना है, 1 2 3 4 5। हाँ, आपने उसकी आंखों के सामने पेंडुलम जो है वो यूं हिलाना होता है और कहना होता है कि आपकी आंखें बंद हो रही हैं, बोझल हो रही हैं, पलकें भारी हो रही हैं, यू नो एवरीथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर आंखें भारी करनी है, बोझल करनी है, तो आंखों पर कोई भारी चीज़ रख देते ना, जैसे कोई पत्थर वगैरह। ना तुम्हारी अकल के ऊपर पत्थर पड़ गए। तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया था? प्रोफेसर मंसूर ने। तुम्हें याद नहीं, वो उनका बेटा था ना, वो मुझसे शादी करना चाहता था, तो बस उसी चक्कर में सारे एग्जाम से पास करवा दिया प्रोफेसर मंसूर ने। तो फिर तुमने उनके बेटे से शादी क्यों नहीं की? सनाउल्ला की वजह से। सनाउल्ला? वो हमारी फुटबॉल टीम का कैप्टन नहीं था? मुझे तो उस वक्त उससे मोहब्बत थी। अच्छा खैर, जो भी, तुम ऐसे करो कि ये किताब है, इसमें से तुम हिप्नोटिज्म का पढ़ लेना, ठीक है? और ये पेंडुलम है, आंखों के सामने यूं यूं करना है, 1 2 3 कहना है, और यू नो सारा प्रोसीजर इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? अगर पेंडुलम मेरे पास होगा तो तुम क्या करोगे आज रात को? तुम्हें क्या हो गया फरहाना? इस दुनिया में कितने लोग हैं, इस कमरे में कितने लोग हैं? 1 2 पेंडुलम्स भी और है मेरे पास, और है, बल्कि इट्स इन माय पॉकेट। नो, आई विल फाइंड इट। ओके, तुम प्रैक्टिस करो, ठीक है? अच्छा, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। हाय हाय सुग्रा, तुम? अस्सलाम वालेकुम सुंबल, क्या हाल है तुम्हारा? तुम फिर कोई शरपसंद किस्म का ख्याल लेके मेरे घर में आई होगी। अरे तुम क्या मुझे शरपसंद समझती हो? मैं कोई दहशतगर्द हूँ? अरे तुम तो इतनी बड़ी दहशतगर्द हो, बड़े बड़े दहशतगर्दों ने तुम्हें अपने साथ रखने से माजरत कर ली। अरे अरे सुंबल, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं कोई ऐसी तो नहीं हूँ। और आंटी मेरा भी तो ख्याल करें ना, बार आपके घर आ रही हूँ मैं। देखो मेरी बेटी को बुखार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज इस वक्त आप लोग घर जाओ, फिर आओ। अरे अरे सुंबल सुंबल रुको तो, देखो मैं डॉक्टर लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। ये फरहाना है, डॉक्टर है, मेरी किराएदार है। हाय, तुम वाकई डॉक्टर हो? अरे हाँ हाँ, मेरे सीनियर डॉक्टर्स भी मुझे देखकर बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं कि हाँ तुम वाकई डॉक्टर हो, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ और सबूत के तौर पे अपनी डिग्री में साथ लेकर आई हूँ। दिखाओ। हाँ, दिखाओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। मैं दिखाती हूँ। नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, रहने दो रहने दो। आओ आओ अंदर। लेकिन हाँ एक शर्त है, मेरी बेटी को देख कर दवाई दे कर तुम वापस लौट जाओगे। आओ चलो चलो चलो, बच्ची दिखाओ कहाँ। अरे पिता क्या हाल है, देखो तो कौन आया। देखो ना फरहाना, देखो। हाँ मैं देखती हूँ मैं देखती हूँ। हाँ बेटा, क्या हुआ है आपको? जो भी हुआ है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। बेटा ये डॉक्टर आंटी हैं, इंशाल्लाह तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। डॉक्टर आंटी नहीं बेटा, डॉक्टर बाजी कहो ना। क्या कर रही है, मेरा मुस्तकबिल तारीख करना चाह रही है? बच्ची काफ़ी बीमार है ना फरहाना, मेरे ख्याल में तो हमें रात तक यहीं रुकना पड़ेगा। हम फिर रात का खाना तुम्हारे यहाँ ही खाएंगे। सुंबल क्या पकाया तुमने? और तो और मुझे तो खुद जाकर दवाई भी लानी पड़ेगी, लेकिन गाड़ी तो हमारे पास है नहीं। बेटा मेरी गाड़ी है ना, तुम उस पे चली जाओ। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। मेरा ड्राइवर ले जाओ तुम।
ड्राइवर के साथ? नहीं नहीं, ड्राइवर्स के साथ मैं बहुत अनकम्फर्टेबल होती हूँ, मैं नहीं जा सकती। आई एम सॉरी। अम्मी, भाई को भी तो कार ड्राइव करनी आती है। हाय, मुझे बिल्कुल याद ही भूल गया भाई, मेरा बेटा आया हुआ है ना अमेरिका से, इंग्लैंड, वो चला लेता गाड़ी। मैं मेरा बेटा इमरान अमेरिका से आया है। बेटा आपने इनके साथ जाना है, बहन की दवाई लेने। अच्छा ठीक है जी। अभी चले? चलो ना चलते हैं। आओ जाओ जाओ। भाई ये क्या, तुम तो सामने देख के गाड़ी चला रहे हो। नहीं जी, जब मैं कार रिवर्स करता हूँ ना तब मैं पीछे भी देखता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? तक कोई इशारा समझ में नहीं आया। नहीं जी, मैं तो पिछले इशारे पर ही रुका था, मैं तो हर रेड सिग्नल पर रुकता हूँ आंटी। क्या क्या कहा तुमने? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? पाकिस्तान में सब अच्छे लोग ना रेड सिग्नल पर ही रुकते हैं। ओफ, वो छोड़े इन सब सिग्नल की बातों को, तुमने मुझे आंटी कहा? सॉरी बाजी। बाजी भी मत कहो ना। अच्छा खैर छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ कि आज मैं कैसी लग रही हूँ? क्यों, आपको पता नहीं? पता है मुझे, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। क्यों, आपके घर में आईना नहीं है? हाय लॉर्ड, इतना बुद्धू है, सब कुछ सिखाना पड़ेगा इसको। अच्छा वो देखिए, ये मेडिकल स्टोर आ गया, अब ये मुझे बताइए कि कौन सी दवा लानी है। इतनी जल्दी मेडिकल स्टोर आ भी गया? नहीं, अभी रास्ते में। सर वेरी बैड जोक, आई मीन वेरी ओल्ड जोक। सर आप आइए, तशरीफ आइए। सर बैठिए, तशरीफ रखिए। हाँ जी। थैंक्स सर। हाँ बताओ, तुमने कोई बात करनी थी? सर आपको पता है कि मैंने आपसे कोई बात करनी थी? मुझे सब पता है, लेकिन ये बात ऑफिस में भी हो सकती थी। ऑफिस में हिप्नोटाइज नहीं हो सकती? क्या मतलब? वो सर सर मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, तुम पहले वो बात बताओ जो तुम मुझे बताने के लिए यहाँ बुलाया तुमने। जी सर। सर पहले खाना खा लेना, पेट भरा हो तो अच्छा लगता है, अच्छी तरह बात हो जाती। मैं खाना लगा के आती हूँ, 2 मिनट लगेंगे सर। ठीक है सर। ठीक सर, मैं यहाँ बैठूँ? हाँ बैठो। सर खाना लग रहा है, अभी गर्म हो रहा है। हाँ बताओ क्या बात थी। ओ सर, मुझे पता चला है कि हमारी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उसमें आपको 4 नए कमर्शियल्स मिले हैं, जिसके लिए आपको मॉडल्स की तलाश है। हाँ वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो हो गया, मैंने देखी है कुछ मॉडल। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सर मैं कैसे परेशान हूँ? सर आखिर मेरा ऑफिस है। हाँ ये परेशानी अगर मुझे ऑफिस में नजर आए तो ज्यादा बेहतर है। हाँ खाना। जी सर। सर मैंने आपको एक चीज दिखानी थी। क्या? सर दिखाऊं? हाँ हाँ। रेडी? हाँ ये देखिए। हम कोई गेम खेलने लगे हैं। मुझे लगता है आपको नींद आ रही है। ये आप उसे 4th बार कह चुकी हैं। मुझे नींद नहीं आ रही, आप मुझे क्यों सुनाना चाह रही हैं? वैसे देखना चाहती हूँ कि आप कैसे सब्जेक्ट हैं। वैसे बड़ी अजीब बातें कर रही हैं फरहाना बाजी आप। कहो ना तुमसे, बाजी मत कहो मुझे। वैसे आपकी उम्र इतनी ज्यादा तो नहीं है कि मैं आपको आंटी बुला सकूं? ओह गॉड इमरान, मैं तुमसे कम से कम 1-2 साल छोटी होंगी। आप कैसी बातें कर रही हैं जी, मैं अभी कॉलेज में हूँ और आपने MBBS भी कर लिया। अरे हाँ तो MBBS कर लिया है ना मैंने, भाई 10 साल की उम्र में मैट्रिक कर लिया था। क्या क्या आपके घर में कैलेंडर नहीं था क्या? ओफो इमरान, मेरा मैट्रिक, मेरा स्कूल, मेरी पढ़ाई, मेरी मर्जी। आपको नींद आ रही, आपकी पलकें बंद हो रही है। हाथ अकड़ गया, आधा घंटा हो गया। सर आप सो क्यों नहीं रहे? खुदा का वास्ता सो जाए, अल्लाह का वास्ता है सर, सो जाए।
शर्मीन, अगर तुमने मुझे घर बुलाकर सुलाना ही था तो मुझे फोन पे लोरी सुना देती। सर, मैंने आपको मना नहीं किया था कि हिप्नोटिज्म के दौरान आपने बोलना नहीं है। आखिर तुम कर क्या रही हो? सर, मैं आपको कौन सी जबान में समझाऊं? फ्रेंच में? सर, मैं आपको हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, तुम मुझे जल्दी से हिप्नोटाइज करके मेरे जहन से मेरी बीवी का खौफ निकाल दो। सर, वही तो कर रही हो ना सर, कि आपकी बीवी का खौफ निकालूं आपके जहन से, ताकि आप परफेक्ट किस्म के बॉस बन जाए जिसे किसी से डर ना लगता हो। और सर, ये बहुत अच्छा हुआ कि आप तैयार हो गए, क्योंकि जो मैंने किताब पढ़ी थी ना, उसमें डॉक्टर ने ये लिखा था कि हिप्नोटिज्म के लिए जरूरी है कि सब्जेक्ट जो हो वो तैयार हो। आप तैयार हैं? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। सर, अब आपने ये करना है कि आपने इस पेंडुलम के ऊपर अपनी आंखें जो है उसको फिक्स कर लेना है। ओहो, फिक्स कैसे रखूं, ये हिल जो रहा है। क्या मुसीबत है सर, खुदा का वास्ता जल्दी करने से, वो ज़ुग्रा आंटी और फरहाना आने वाली होंगी। क्या तुमने और लड़कियां भी बुलाई हैं? क्या वो मॉडल है? इसका मतलब है शर्मीन, तुम ऑफिस में मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचती हो। तो मैंने चाहता कि आपको मट्टी का तेल चढ़ा के आपको आग लगा लूं। क्या सोच रही हो? सर, मैं जो भी सोच रही हूँ ना, आप उसको छोड़े, आप मेरी सोचों के पीछे क्यों पड़ गए? सर, आपने हिप्नोटाइज होना है कि नहीं होना? हाँ, तुम मुझे जल्दी से हिप्नोटाइज करके मेरे अंदर से मेरी बीवी का खौफ निकाल दो। अब मैं आपको हिप्नोटाइज करने लगी और अब आपने बोलना नहीं है बिल्कुल। अच्छा, मुझे बोलना भी नहीं है? सर, सर आपको बॉस किसने बनाया, आप मुझे ये बताएं। आपको पता नहीं है कि कोई भी इंसान बोलते हुए सो नहीं सकता? मैं आपको घंटे से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। हाँ ठीक है, अब मैं नहीं बोलूंगा। सर, प्रॉमिस करें? हाँ, प्रॉमिस प्रॉमिस, नहीं बोल। चलो रेडी, 1 2 3। आपको नींद आ रही है, बहुत गहरी नींद आ रही है, आपकी पलकें नींद से बोझल हो रही हैं, नींद आ रही है, नींद आ रही है। सर, 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 गॉड, मैं क्या करूं, सो गए। अरे इतनी देर हो गई, ये लड़की कहाँ चली गई, अभी तक वापस ही नहीं आई। ये फिक्र क्यों तुम कर रही हो? बस हाँ। रात के खाने का इंतजार, मेरा ये मतलब है कि वो दवाई नहीं मिली होगी ना यहाँ करीब से केमिस्ट के पास से, दूर गई होगी। हाय, ना जाने वो कौन लड़की है भाई, मेरा बेटा तो बहुत मासूम है। अच्छा, फिर तो वो यकीनन तुम्हारे मियाँ पर गया। मेरे मियाँ पे गया? अरे अगर उस पर जाता ना तो बिल्कुल भी मासूम ना होता। वैसे एक बात बताओ सोगरा, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम यही कहना चाह रही हो ना कि मैं बहुत मक्कार हूँ? सुंबल, ये बात तो मैं तुम्हें रात को खाने के बाद बताऊंगी। अरे ये तुमने क्या रट लगा रखी है, रात का खाना लगा हुआ है भाई, घर जाओ, मुझे बहुत काम निपटाने हैं अभी। अरे छोड़ो ना, दोनों बहनें बैठकर पहले बातें करेंगी, फिर रात का खाना खाएंगी, और वैसे भी इस उम्र में तुमने क्या काम करना है? हैं, उम्र? अरे 20 बरस तो तुम मुझसे बड़ी हो। आए हाय सुंदर, तुम क्या कहना चाह रही हो, तुम सिर्फ 15 साल की हो? ना तो सोगरा जान, तो क्या तुम सिर्फ 35 साल की हो? अगर कहोगी ना तो मैं शनाख्ती कार्ड दिखा देती हूँ। अरे छोड़ो भाई, शनाख्ती कार्ड कभी उम्र बताते हैं? मेरे पास 5 हैं 5। तो ऐसी कौन सी बात है, मेरे भी बहुत वाकिफ हैं शनाख्ती कार्ड के दफ्तर में, हर साल मैं नया बनाती हूँ, इतने थद्दा पड़ा हुआ है वहाँ। सर, 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 भागो, सुनामी आ गया, भागो, भागो। ये एक पेंडुलम है। तो ये आप अपनी घड़ी से क्यों निकाल रही हैं? एक्चुअली मेरे प्रोफेसर ने मुझे कल हिप्नोटाइज करना सिखाया था और उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस करो, लेकिन मेरे घर में तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, इसलिए मैं आपको सब्जेक्ट बना सकती हूँ। इमरान, हमसायों का इतना हक तो बनता है। यहाँ पाकिस्तान में हिप्नोटाइज करके हक अदा किया जाता है क्या? हाँ, तो और क्या, मुश्किल वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है। तो ठीक है, फिर आप मुझे जल्दी जल्दी हिप्नोटाइज कर लें।
और प्लीज देर मत लगाइएगा, अम्मी परेशान हो रही होंगी। अच्छा ठीक है, अब इसको गौर से देखो, ओके, फॉलो करो इसको। अब तुम्हें नींद आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तुम्हारी आंखें बंद हो रही हैं। गुड, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी, ना तुम अपनी मर्जी करोगे और ना अपनी अम्मी की बात मानोगे, सिर्फ वही करोगे जो मैं कहूंगी, ओके? जी। गुड। तो नाम? इमरान अहमद। उम्र? इस नवंबर को पूरा 20 साल का हो जाऊंगा। हाय हाय, ये तो वाकई में मुझसे साल दो साल छोटा है। अच्छा छोड़ो, तुम्हें कोई लड़की पसंद तो नहीं? नहीं। गुड। अपने से कम उम्र की लड़की से तुम मोहब्बत नहीं करोगे? जी। कम उम्र की लड़कियां बेवफा होती हैं? जी। अपने से बड़ी उम्र की लड़की से मोहब्बत करोगे? जी। शादी करोगे? जी। और उसके लिए अपनी अम्मी से झगड़ोगे, लड़ोगे? जी। गुड। और ये तुम्हारा फाइनल आखिरी फैसला होगा? और ये मेरा आखिरी फैसला होगा। यस, वेरी गुड। अब तुम्हारी अम्मी को चल के ये हकीकत बताते हैं। अब आंखें खोलो और घर के अंदर चलो। वो अभी तक नहीं आई। अरे सुंबल, फजूल की बातें तुम किए चली जा रही हो, इससे बेहतर है कि तुम खाने का कुछ इंतजाम करो। बात मुझे अब समझ आई तुम्हारी सुगरा, कि तुम मेरे घर सिर्फ रात का खाना खाने आई थी। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें इस उम्र में ये हरकतें करते हुए? अरे हाय सुंबल, फिर वही उम्र का ताना। तुम्हें अच्छा भला पता है कि मैं तुमसे छोटी हूँ। तुम मुझे बड़ा बना के तुम्हें अंदाज है कि तुम कितनी बड़ी बन रही हो। अरे वो देखो तुम्हारा बेटा आ गया। अल्लाह शुक्र है मेरा बेटा आ गया। देखो बेटा इधर आओ, बात सुनो मेरी। बच्चे झूठ नहीं बोलते, तुम्हें पता है ना। और ये अपनी आंटी सुगरा को देखो, ये मुझे मुसलसल यही कहे जा रही हैं कि नहीं तुम बड़ी हो और मैं छोटी हूँ। अब तुम देख के बताओ इसे इन्हें कि ये बड़ी है कि मैं। अरे सुगरा आंटी तो ऑफकोर्स बड़ी है, बल्कि बुजुर्ग है। क्यों इमरान? मुझे आपसे शादी करनी है, प्लीज मुझसे शादी कर लें।